हेलो फ्रेंड्स, एक हमारे पास चार्जर आया हुआ था। एक भाई कमेंट कर रहे थे कि इसका बोर्ड का रेजिस्टेंस देखा, तो ये रहा भैया रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस आप लोग को जला हुआ ज़्यादातर आता है, ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ। इसका फ्रंट डायोड शॉर्ट है, यहाँ 7805 लगा है माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए, जिसका जैक एक यहाँ और ये दोनों से एसी जा रहा है। यहाँ पे एसी जा रहा है जिस डायोड के अनुसार, ये मेन सेंस करने के लिए, ये देखिए एसी बल्ब बढ़ने के लिए या रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जो जल जाता है ज़्यादातर। फिलहाल में देखिए इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर ये है समझिए तो, और यहाँ टाइम से लगाया 3525 से ऑपरेट किया है। और एक ये रेजिस्टेंस ज़्यादातर जला हुआ मिलेगा आप लोगों को इस मॉडल चार्जर में, ये देखिए फ्रंट ये रेजिस्टेंस जला हुआ आएगा। चलिए अब इसका डायोड चेंज करेंगे। किसी कारीगर के पास इतना मोटा फ्यूज डाला था, फिर उसके बाद गलती यहाँ पे क्या क्या कि दोनों शॉर्ट कर दिया इसी वाला, जिस कारण से ब्लास्ट कर गया और इनका सिर्फ डायोड फटा हुआ है और डायोड का नंबर मिटा हुआ है। और इस डायोड को देखा जाए तो इस जगह पे LM324 के पास नंबर मिटा दिया गया है। चलिए फ्रेंड डायोड चेंज करके आप लोगों को फुल वीडियो बना के देते हैं। दोस्तों ये मोटर जो चार्जर ऐसा साला डायोड का नंबर मिटा दे रहा है कंपनी, इसमें मिटा हुआ है, यहाँ भी स्क्रेच किया हुआ है। चलिए इसमें 30U60 के जगह पे 60U60 डाल कर देखते हैं क्या होता है। फ्रंट ये सेम चार्जर है, डायोड का नंबर मिटा दिया गया है। इसलिए चार्जर और खोल कर देखते हैं। दोस्तों इसका सिर्फ डायोड उड़ा हुआ था, डायोड लगा दिया, देखिए सीरीज लाइन में लोड हमारा ले लिया है चार्जर, ये देखिए। और ये आराम से ब्लिंक कर रहा है LED। अगर इसका IC ख़राब हो जाए फ्रंट तो ये जैक को निकाल दीजिए तो डायरेक्ट आपका एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। ये 3525 है, जैसे एग्जूम में 12 वोल्ट बनता है इसी तरह से ड्राई वोल्ट, ये एक तरह से छोटा जो एग्जूम में ट्रांसफार्मर रहता है ना उसी तरह से ट्रांसफार्मर है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ LM324 लगा हुआ है एम्पेयर के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ले फ्रेंड। और रेजिस्टेंस का नंबर आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए ये रेजिस्टेंस जला हुआ ज़्यादातर आएगा। इस जगह पे 60U60 डायोड लगेगा जो UTL के चार्जर में लग के आता है, 60U60 डायोड। और रेजिस्टेंस तो आप लोग फ्रेंड गौर से देख ले। एक भाई कमेंट कर रहे थे डिस्प्ले का रेजिस्टेंस, तो ये देख ले डिस्प्ले का रेजिस्टेंस। चलिए फ्रेंड लाइन काट के आपको दिखाते हैं डिस्प्ले का, लाइन काट लेते हैं, ये देख ले एक बार फिर से आप लोग रेजिस्टेंस देख ले और समझ ले। ज़्यादातर देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस फटेगा, हम जूम करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ का रेजिस्टेंस जला हुआ आएगा, ये और ये सब, इसका फाइनली चार्जर ऑन कर दिए भैया जी का। वोल्टेज कम है हमारे दुकान में इस कारण से, चलिए वोल्टेज बढ़ाते हैं। लास्ट वोल्टेज है फ्रेंड, अब नहीं बढ़ेगा इससे आगे, 197 वोल्ट है मात्र। और 197 में 11-12 एम्पीयर के आसपास निकाल रहा है। और भी इसका कुछ जानना है फ्रेंड तो कमेंट करें, इसका फुल डिटेल्स में बोलिएगा, वीडियो दे देंगे। इस शंट कॉइल है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए इसका इंडक्टर कॉइल कितना भयंकर दिया है।